बिना खोया, बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर से बना हुआ आज परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर वाला गाजर का हलवा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा। ठंडी की सीजन की ये जान है गाजर का हलवा, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 किलो गाजर लिया है। ना मैंने ज़्यादा पतला गाजर लिया, ना ही मोटा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज के गाजर को लिया है, आप भी मीडियम साइज का ही गाजर लीजिए। एक बात का और इसमें ध्यान रखना है कि गाजर हमेशा लाल लीजिए। लाल गाजर से हमारे हलवे में मीठापन रहता है और चीनी भी कम लगती है। तो चलिए, एक बाउल में मैंने पानी ले लिया, सारे गाजर को मैंने पानी में डाल दिया है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने एक पतीला ले लिया है और यहाँ पे मैंने 2 kg फुल फैट मिल्क लिया है। तो गाजर का हलवा जब भी बनाइए तो आप फुल फैट ही मिल्क लीजिए, इससे बहुत टेस्टी बनते हैं हमारे गाजर का हलवा। पहले मैं पतीले में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और सारे पैकेट को मैं फाड़ के पतीले में डाल दूंगी। दूध को हमें थोड़ा सा जलाना है, मतलब थोड़ा गाढ़ा करना है। मैंने यहाँ पे 2 kg दूध लिया है, 2.5 kg हलवे के मतलब गाजर के हिसाब से। आप दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए, मुझे हलवे में दूध थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने दूध को गाढ़ा होने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए, अब गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया है। दोस्तों, आपसे मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, गाजर का हलवा बनाने का ये तरीका आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए, सारे गाजर को मैंने इस तरह से छील लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे सारे गाजर को कद्दूकस करूँगी। आप चाहे तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा परात लिया है और यहाँ पे मैंने कद्दूकस लिया है। तो ये जो मोटा वाला पार्ट है उसी से मैं आज कद्दूकस करूँगी, छोटे वाले पार्ट से नहीं करूँगी। मोटे वाले पार्ट से कद्दूकस करने से हमारे गाजर का हलवा का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए, सारे गाजर को मैं इसी तरह से कद्दूकस कर लूँगी। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी कद्दूकस हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इस तरह से। तो देखिए, मैंने सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो अब चलते हैं दूध की तरफ। आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। इस तरह से चारों तरफ से जो मलाई जमती है उसको आप निकाल लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में सारे गाजर को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी और 1 कप दूध मैं इसमें डाल दूंगी। दूध मैंने वही लिया है जो अभी उबल रहा है। इसको मीडियम फ्लेम पे गैस पे छोड़ना है। इस पर कोई सीटी नहीं लाना है, बस हल्का सा ये स्टीम बने तो गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। बस इतना ही इसमें करना है। तो चलिए, अब ड्राई फ्रूट रेडी कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे आधा बॉल काजू लिया है और आधा बॉल पिस्ता लिया है और आधा बॉल बादाम लिया है और आधा बॉल यहाँ पे मैंने किशमिश लिया है। ड्राई फ्रूट कोई मैंने मेजर करके नहीं लिया है। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप कोई सा भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आप खाते हो। तो चलिए, चेक कर लेते हैं गाजर को। देखिए, गाजर भी हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, बस ऐसे ही रखना है इसको। तो चलिए, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। 2 चम्मच यहाँ पे मैं घी डाल दूंगी। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजर का हलवा मुझे घी में ही पसंद है तो मैं घी डालती हूँ। आप अपने हिसाब से तेल या घी डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग ले लिया है। ये सिर्फ मैंने खुशबू के लिए डाला है, बाद में मैं इसको निकाल लूँगी और सारे गाजर को मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूंगी। 5 से 6 मिनट तक गाजर के हलवे को फुल फ्लेम पे भूनना है। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करिएगा तो आपके गाजर का हलवा का कलर इतना अच्छा आएगा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल गाजर का हलवा बनेगा। तो 5 से 6 मिनट तक मैंने फुल फ्लेम पे गाजर के हलवे को छोड़ दिया है। जो भी दूध या पानी रिलीज़ हुआ वो अच्छे से इसमें सूख जाएंगे। मैंने इसको कुकर में हल्का सा उबाला है तो आप देख सकते हैं गाजर का अभी तक क्रंच बना हुआ है। मैंने इसको ज़्यादा नहीं उबाला था, तो बीच बीच में जो लौंग इलायची उसको भी निकाल देंगे, अब उसका काम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। पैन में 1 चम्मच घी डाल दूंगी और सारे ड्राई फ्रूट को मैंने कट कर लिया है और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इस तरह से आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लीजिएगा
तो ड्राई फ्रूट का भी टेस्ट चेंज हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ड्राई फ्रूट खाने में। तो हलवे में हमेशा आप रोस्ट करके ही डालिए ड्राई फ्रूट को। तो 2 से 3 मिनट लगे मुझे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने में। तो चलिए गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हलवे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी अच्छे से रिलीज हो चुका है। तो देखिए बीच में इलायची दिख रही है, उसको भी आप निकाल लीजिए। और अभी फ्लेम को फुल कर देंगे और आधा दूध मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने गाढ़ा करके रखा था। एक साथ दूध नहीं डालना है, फुल फ्लेम पे ही इसको चलाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए बाकी दूध जो बचा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो चलिए 10 मिनट तक लगातार इसको चलाना है। तो आप देखिएगा इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम हलवा बनाते ही नहीं, ठंड के सीजन में ही बनाते हैं, पूरे साल तो गाजर रहता नहीं है। तो देखिए दूध हमारा आधा हल्का मतलब सूख गया है। अब इस स्टेज पे मैं चीनी डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने 1.5 बॉल चीनी डाला है। 1 बॉल मैंने पहले डाला, फिर मैंने आधा बॉल डाल दिया है। तो मुझे थोड़ा मीठा कम ही पसंद है। वैसे गाजर मेरा बहुत ज़्यादा लाल था तो हलवा मेरा पहले से ही थोड़ा मीठा हो चुका था, तो मैंने शक्कर कम ही डाला है इसमें। तो चलिए साथ में ही मैंने किशमिश डाल दिया है और वो जो ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं डाल दूंगी इसमें। अब गाजर के हलवे को सिर्फ चलाना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है क्योंकि दूध कम हो चुका है। तो फ्लेम को कम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको चलाना है। तो आप देखिएगा धीरे धीरे इसका कलर कैसे चेंज हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाइएगा। तो चलिए तो देखिए दूध अच्छे से सूख चुका है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, मतलब घी मैंने पहले भी डाला था 2 चम्मच, और 2 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल दूंगी। अब गैस के फ्लेम को मैं 2 मिनट के बाद बंद कर दूंगी। हलवा रेडी होने से 2 मिनट पहले आप घी डालिए तो घी की खुशबू बनी रहती है। तो चलिए हमारा टेस्टी और यम्मी गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नारियल का बुरादा लिया, उससे भी मैंने इसको गार्निश कर दिया। अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो लग रही है ना टेस्टी, तो आप इसका कलर टेक्सचर देखिए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगेगा। हलवाई लोग जो शादियों में बनाते हैं वैसे ही हलवा आज रेडी हुआ है। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरे हलवा की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में मेरे हलवा की रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।